आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव है, जो आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा कि स्किन टाइप किस तरह जानी जा सकती है, आप अपनी स्किन टाइप को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है या ड्राई स्किन है या सेंसिटिव स्किन है, कैसे पता चलेगा। तो आज जानते हैं कि आप अपनी स्किन टाइप को कैसे जान सकते। स्किन की केयर करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारी स्किन टाइप कौन सी है। अगर आप लोगों को पता नहीं होगा कि आपकी स्किन टाइप क्या है, तो फिर आप कैसे अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं, कैसे कोई क्रीम लगा सकते हैं या स्क्रबिंग कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आपने अपनी स्किन पे अप्लाई करना है, विदाउट के आप लोगों को अपनी स्किन टाइप पहले पता होनी चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हबीबा चौधरी यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो चलें जी अपनी स्किन टाइप के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक काम लाजमी आप लोगों ने करना है, जो आप लोगों को मैं हर दफ़ा रिक्वेस्ट करती हूँ, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, मेरे यूट्यूब के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें एंड बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। अगर आप लोग व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं तो जल्दी से जाएं मेरे व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरे व्लॉग चैनल का नेम है चौधरी फैमिली व्लॉग्स। जल्दी से जाएं, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें। हाँ जी गाइज, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितनी स्किन टाइप्स होती हैं। नॉर्मली लोगों को पता होता है ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे टोटल 5 स्किन टाइप्स होती हैं, जिनमें से कौन सी सबसे अच्छी स्किन टाइप है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो आइडियल स्किन टाइप होती है, जिस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और बहुत ही अच्छी स्किन होती है। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले ऑयली स्किन है, उसके बाद कॉम्बिनेशन स्किन है, उसके बाद नॉर्मल स्किन है, उसके बाद ड्राई स्किन है और उसके बाद सेंसिटिव स्किन है। ये 5 स्किन टाइप्स होती हैं, जिनमें से कोई एक जो है वो हमारी स्किन टाइप होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑयली स्किन कैसी दिखती है और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कौन सी स्किन टाइप है, ऑयली है या कोई और है। तो सबसे पहले आपने सुबह उठना है, सुबह उठ के अपना फेस वॉश करना है। फेस वॉश करने के बाद जब आपका फेस आफ्टर 10 मिनट्स ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आपने लेना है एक टिश्यू। टिश्यू की मदद से आप लोग जान सकते हैं कि आपकी कौन सी स्किन टाइप है। कैसे जानना है वो ये है कि आपका जब फेस ड्राई हो जाएगा, आपने ये टिश्यू को टैप करना है, अपनी इसको पूरी स्किन पर इस तरह से टैप करना है। और अगर तो आपकी स्किन पे टिश्यू जो है थोड़ा सा वेट हुआ है, उस पर स्वेटिंग हुई है, मतलब कि थोड़ा सा वेट वेट लग रहा है, तो इट्स मीन आपकी ऑयली स्किन है। इसके साथ साथ ऑयली स्किन आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर आपको पूरे फेस पे ग्रीसी सा फेस नज़र आ रहा है, ऑयली सा फेस नज़र आ रहा है, पूरा फेस आपका जो है ना वो ग्रीसी सा हुआ हुआ है, इट्स मीन ऑयली स्किन। अगर तो आप टिश्यू को अपने नोज़ पे, चीक्स पे लगाते हैं और अपने फेस पे लगाते हैं और आपका जो ये जो सा टी जोन एरिया है, इसको कहते हैं टी जोन एरिया, ये अगर आपकी यहाँ पे स्वेटिंग हुई हुई है और टिश्यू जो सा यहाँ से वेट होता है और वो, तो इट्स मीन आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, मतलब कि आपके चीक्स वगैरह पे कोई ऑयल नहीं आया हुआ, जब आप चीक्स पे टैप करते हैं तो टिश्यू ड्राई है। अगर आप टी जोन एरिया पे टिश्यू को टच करते हैं तो इट्स मीन आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, अगर वो वेट हो जाता है, अगर आपकी यहाँ पे स्वेटिंग होती है, थोड़े थोड़े से आपके अगर पोर्स भी हैं तो इट्स मीन आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है। उसके बाद जब आप फेस वॉश करते हैं और पूरे अपने फेस पे टिश्यू को टैप करते हैं, तो आपके ना तो ऑयली होती है इतनी, ना तो ड्राई होती है, इट्स मीन कि आपका ना तो टिश्यू बहुत ज़्यादा वेट होता है, ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, मतलब कि इट्स मीन नॉर्मल स्किन टाइप है। तो नॉर्मल स्किन टाइप में आपके पोर्स भी बहुत ज़्यादा मिनिमल होते हैं, आपके पोर्स इवन के आपको नज़र भी नहीं आ रहे होते। उसके साथ साथ आपकी स्किन पे कोई भी ब्लेशमेंट नहीं होती, मतलब कि कोई भी आपके डार्क स्पॉट्स वगैरह या दाग धब्बे इतने नहीं फील हो रहे होते, और उसके साथ साथ आपकी कॉम्प्लेक्शन भी जो है वो अच्छा होता है स्किन टाइप का, तो इट्स मीन आपकी नॉर्मल स्किन टाइप है। उसके बाद जब आप फेस वॉश करके 10 मिनट्स ड्राई करने के बाद अगर आप टिश्यू अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, रखते हैं और आपका टिश्यू टोटली ड्राई होता है, चाहे आप चीक्स पे टच करें, चाहे आप टी जोन एरिया पे टच करें, चाहे आप सी जोन एरिया पे टच कर रहे हैं, तो आपका टिश्यू अगर ड्राई है तो इट्स मीन आपकी ड्राई स्किन है। और इसके साथ साथ अगर आपकी स्किन फ्लेकी होती है, स्केली होती है, मतलब कि आपकी स्किन पे पैचेस आ रहे हैं वाइट वाइट किस्म के, मतलब कि वो आपके फेस पे ड्राइनेस हुई हुई है, इट्स मीन कि आपकी स्किन ड्राई है। और जिन लोगों की फ्लेकी होती है, स्किन पे वाइट वाइट पैचेस होते हैं, तो वो इट्स मीन एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है।
तो जब भी आपने अपनी स्किन टाइप्स जाननी है तो आप इस तरह के तमाम अपनी जितने भी हिंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं इसको आप अप्लाई करें और अपनी स्किन टाइप को जानें। जिन लोगों की स्किन पे कोई भी आप क्रीम अप्लाई करते हैं या फिर आप कोई भी चीज़ अपनी स्किन केयर में चेंज करते हैं और आपकी स्किन पे रिएक्ट हो जाती है, बहुत कम चीज़ें आपकी स्किन पे सूट करती हैं, इट्स मीन आपकी सेंसिटिव स्किन है। तो सेंसिटिव स्किन का इस ऑयलीनेस से या ड्राइनेस से इतना कोई ख़ास ताल्लुक नहीं होता, लेकिन उसका पता आपको तभी चलता है जब आप अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी रेमेडी। तो अगर आपकी स्किन पे रिएक्ट कर जाती है तो इट्स मीन रेडनेस हो जाती है, रेड पैचेस हो जाते हैं, तो इट्स मीन आपकी सेंसिटिव स्किन है। सबसे अच्छी जो उनकी आइडियल स्किन टाइप होती है ना, वो नॉर्मल स्किन टाइप होती है। नॉर्मल स्किन टाइप में एक तो मैंने आपको बताया कोई दाग धब्बे नहीं होते, आपकी स्किन पे एक कॉम्प्लेक्शन जो है वो ऑलरेडी नीट एंड क्लीन होता है। उसके साथ साथ आपकी स्किन पे ना तो ऑयल ज़्यादा होता है ना ही ड्राइनेस ज़्यादा होती है, तो आपकी स्किन जो है वो आइडियल स्किन होती है। तो जिन लोगों की नॉर्मल स्किन है ना, तो वो तो बहुत ज़्यादा लकी हैं कि उनकी स्किन पे इतना कोई ख़ास उनको वर्क नहीं करना पड़ता। लेकिन एज़ कम्पेयर टू जिस तरह से कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है या फिर ड्राई स्किन है या सेंसिटिव स्किन है, उसके लिए हमें बहुत सारी केयर करनी पड़ती है। तो नॉर्मल स्किन टाइप जो सी है वो बहुत कम लोगों की होती है। मोस्टली जो सी रेंडमली स्किन टाइप्स होती हैं वो ऑयली कॉम्बिनेशन ड्राई स्किन होती हैं। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दें, मेरे यूट्यूब के चैनल हबीबा चौधरी को लाजमी सब्सक्राइब कर दें एंड बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।